हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप अलर्ट्स में आने वाले नए फीचर्स के बारे में। जी हाँ, अप अलर्ट्स का नया फीचर पब्लिश हुआ है और इसके अंदर हमने फाइवर की भी सपोर्ट ऐड कर दी है। जी हाँ, फाइवर वाले फ्रीलांसर्स ये कह रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए, अपवर्क पे ही सारा कुछ हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं फाइवर के लिए कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको स्क्रीन पर लेकर आऊं तो हमने लोगो चेंज कर दिया है थोड़ा सा। जो अप अलर्ट्स का आइकन शो होता था अपवर्क की वेबसाइट साइट के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर इस तरह से कुछ शो हो रहा होगा। इसके अलावा इसमें एक और चेंज ये की है कि अब आप लोगों को जो प्रपोजल है वो रियल टाइम में जनरेट होता हुआ नजर आएगा। प्रीवियसली ये जब तक प्रपोजल जनरेट नहीं हो जाता था आपको विजिबल नहीं होता था, मगर अब ये जैसे ही प्रपोजल जनरेट हो चुका होगा तो आपको शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस आइकन पे और यहां से आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह सिलेक्ट करेंगे, मगर मैं उसके बगैर ही जनरेट कवर लेटर के बटन पे क्लिक करता हूं। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे ही आपके पास प्रपोजल जो है वो बन रहा है वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है, जिससे ये है कि आपको पता चल जाएगा कि वाकई में कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आ रही है। और आपको तो पता ही है कि अप अलर्ट्स में ऑलरेडी GPT-4 का इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ था हमने, जो कि काफी बेहतर प्रपोजल जनरेट करके दे रहा है अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्ट। तो इंसर्ट कवर लेटर कर दूंगा। इंसर्ट कवर लेटर के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कवर लेटर आ गया है। इसके अलावा आपके पास अगर क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर यू ए नेटिव जर्मन स्पीकर, डू यू हैव नेटिव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि नो, हाउ एवर आई हैव डेवेलप्ड एन AI सिस्टम विच कैन ऑटोमेटिकली डू दिस फॉर मी इन एनी लैंग्वेज। तो ये मैंने इतना सा सेंटेंस लिखा है, मगर मैं इसको अब अप अलर्ट्स के थ्रू अगर गुजारूंगा तो अब आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले तो जनरेट जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो एज ए स्ट्रीम शो हो रहा है, और दूसरे नंबर पर बहुत अच्छे तरीके से इसने ये जो मेरा सेंटेंस है उसको जॉब के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया है। तो यहां पर हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये भी यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। सेम गोज फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फीचर जो कि आप लोगों को इंप्रूव्ड मिलेगा अप अलर्ट्स में, और वो ये है कि अपवर्क के इनबॉक्स में भी ये इंटीग्रेट हो चुका है। यहां पर आपको देखें बटन शो हो रहा है, इस बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी कन्वर्सेशन जो क्लाइंट के साथ चल रही है उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपका रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ये वाला फीचर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो कि लंबे लंबे मैसेजेस नहीं लिख सकते, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और दूसरे नंबर पर इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं है। तो आपने थोड़ा सा हिंट देना है एआई को और एआई आपका काम खुद ब खुद कर देगी। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, देखिए समरी का एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, इसके अंदर आप अपना जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं आपका बजट जो है वो तब दे सकूंगा आपको बजट जब हमारी डिस्कशन हो जाएगी। तो मैं बिलो 150 सिलेक्ट करता हूं, जनरेट के बटन पर क्लिक करता हूं। अब ये क्या करेगा, ये जॉब जो हमारी कन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही थी क्लाइंट के साथ उसको स्टडी करेगा और उसके मुताबिक जो मैंने इसको समरी दी है उसके मुताबिक मैसेज जनरेट कर देगा। तो यहां पर ये कह रहा है जी, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूड इंटरेस्ट टू गिव यू प्रॉपर एस्टिमेट फॉर इंटीग्रेटिंग दिस चैटबॉट परफेक्ट CRM टिकट मॉड्यूल एंड फॉर द सोर्स कोड आई वुड नीड मोर डिटेल अबाउट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, दिस विल हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला मैसेज देख लें और इस मैसेज को कंपेयर कर लें। नीचे वाला मैसेज काफी बेहतर है और वो ज्यादा प्रोफेशनल भी है। तो इसके इसको हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा मैसेज रेडी हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर, और नेक्स्ट फीचर में हम बात करते हैं ये कवर लेटर वाला एरिया। अपवर्क ने रिसेंटली क्या किया है कि AI इंटीग्रेट कर दिया कि जब आप प्रपोजल जनरेट करते हैं आप चेक कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। इसकी वजह से हमारा जो आइकन था वो छुप गया था, शो नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, मगर अब देखें कि ये हमने थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। अब ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोबारा से जो कवर लेटर है वो जनरेट कर सकेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइवर इंटीग्रेशन, और इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक फीचर था हमारे पास बाय रिक्वेस्ट का जो कि रिप्लेस हो गया था फाइवर ब्रीफ्स में। फाइवर ब्रीफ्स में ये होता है कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करता है, बजट शेयर करता है और आपको कहता है कि आप इसके ऊपर अप्लाई करो, और जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पर फिर आपके सिलेक्शन हो सकती है और सिलेक्शन के बाद आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। तो ये मेरे पास बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट आती रहती हैं, इनको फाइवर ब्रीफ्स बोलते हैं, ये आती रहती हैं, मगर इनके
ऊपर आपको प्रॉपर एक कवर लेटर लिखना पड़ता है। अगर आप अच्छा कवर लेटर लिखेंगे तो आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इसने कोई एप्लीकेशन बनानी है, ये उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अटैचमेंट भी ऐड की हुई है। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्रिएट ऑफर के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम अपना जो गिग है वो सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं कि माइलस्टोन पेमेंट लेनी है या सिंगल पेमेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आइकन ऐड हुआ हुआ है जो कि है जनरेट कवर लेटर का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास अगेन वही वाला जो पॉपअप आ जाता है, यहां पर आप जनरेट कवर लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों के पास ये जो फाइवर की ब्रीफ आया है उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये एक अच्छा सा कवर लेटर बना देगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा और आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी और आपके अर्निंग के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारा इसने क्रिएट कर दिया है। मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये सारा इंसर्ट हो चुका है और क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाएगा बिकॉज ये जो टेक्स्ट इसने लिखा है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दी बायर रिक्वेस्ट या फाइवर ब्रीफ के मुताबिक लिखा है और आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो आप फ्री में फाइवर के ऊपर डेली बेसिस पे 5-10 के करीब जो है वो फाइवर ब्रीफ्स जो है वो जनरेट करें, आपको रिस्पांस अच्छा आना शुरू हो जाएगा। ना सिर्फ ये, हमने फाइवर के इनबॉक्स में भी ये इंप्लीमेंट कर दिया है। अगर आप फाइवर का इनबॉक्स ओपन करेंगे और क्रोम एक्सटेंशन अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास एक बटन ऐड हो चुका है जो कि आपके फाइवर के मैसेज रिप्लाईज भी जनरेट कर सकता है। अगेन ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैंडी है जिनको इंग्लिश बोलने में मसला होता है, इंग्लिश समझने में मसला होता है, मगर वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अर्निंग भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे अगेन, और क्लिक करने के बाद अगेन हम अपनी समरी देंगे। जैसे इस क्लाइंट के साथ मेरी बात चल रही थी मगर ये गायब हो गया, तो मैंने मैसेज लिखा है मगर ये मैसेज इतना अच्छा नहीं है। मगर हम अगर इस अप अलर्ट्स की एक्सटेंशन से अगर हम जनरेट करेंगे तो अब देखें कि ये इस समरी को अंडरस्टैंड करते हुए और जो हमारी एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए एक अच्छा मैसेज लिखेगा। तो इसने क्या लिखा है, जस्ट सर्कलिंग बैक टू आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द फायरबेस क्लाउड फंक्शंस एंड स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन टू योर एप्लीकेशन। आई एम रेडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स यू आउटलाइंड। आई जस्ट नीड योर कन्फर्मेशन टू मूव फॉरवर्ड। लेट्स get this done promptly and efficiently. Please respond at your earliest convenience. तो ये देखें एक अच्छा professional message है जो कि ज्यादा बेहतर आपको perform करके देगा, मैं इसको send कर सकता। तो ये थी UpAlerts की changes। आप लोग इस website पे visit करें UpAlerts.app, यहाँ पर आपको सभी links मिल जाएंगे जिसमें Android app, iOS app और Google क्रोम स्टोर की लिंक भी आपको यहां पर मिल जाएगी। फीचर्स भी आप चेक कर सकते हैं, हमने ब्लॉग भी बना दिया, इस पर भी हम अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को इस एक्सटेंशन की मदद से हेल्प मिल रही है तो प्लीज मेक श्योर करें कि इस एक्सटेंशन को 5 स्टार रिव्यू जरूर दें। सिर्फ 126 रिव्यूज हैं हमारे, हम चाहते हैं कि यार इसको एटलीस्ट 200 के ऊपर तो लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लेफ्ट साइड पर आपको मैं एक और वीडियो रिकमेंड कर रहा हूं जो कि अपवर्क के रिलेटेड है। इस वीडियो को देखकर आप लोग अपने अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।